हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैं आपको दो रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है इसका डिफरेंस बताने वाला हूं फ्रेंड्स, और उसके एक्सपेंस रेशियोस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में से, और आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा एक एक्सेल शीट से कि क्या डिफरेंस है। यहां आकर देखेंगे तो HDFC स्मॉल कैप फंड, और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको जो जो म्यूचुअल फंड्स 2019 में खरीदना है उसके बारे में भी बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स में। अगर आप देखेंगे तो रेगुलर प्लान है, एक्सपेंस रेशियो है उसका 2.16 और डायरेक्ट में 0.71, ऑलमोस्ट ऑल आपको 1.44% डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स। मींस ये पैसे आप अपने फंड मैनेजर को देते हो एवरी ईयर। सो इसके लिए, और दूसरी बात है कि फ्रेंड्स कि अभी क्या है कि अभी रिसेंटली जीरो द और कुछ ग्रो ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, वहां पर आप डायरेक्टली जाकर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, और आपका 1.5% 1% मिनिमम लगता ही है एक्सपेंस रेशियो, वो मनी आप सेव कर सकते हैं। और मैं आपको जिसके पास भी जीरो तक अकाउंट नहीं है उनको मैं उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जीरो द में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुला सकते हैं। आपको एक बेनिफिट है फ्रेंड्स जीरो द में, वो क्या है कि अगर आप जीरो द में अकाउंट खोलते हो तो आपको ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है, और अगर आप जीरो द में म्यूचुअल फंड्स कॉइन प्लेटफॉर्म के द्वारा में आप म्यूचुअल फंड्स जीरो द में खरीद सकते हो। वो आप कैसे खरीदना है जीरो द में कॉइन प्लेटफॉर्म से, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा और आपको दूंगा फ्रेंड्स। 25,000 तक अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो आपको एक भी रुपए नहीं लगेगा जीरो द में। सो आप जीरो द, और दूसरी बात है अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, से आपने एक शेयर खरीदा और आपने होल्डिंग किया और वो आप कुछ दिन के बाद बेचते हो, तो आपको ब्रोकरेज जीरो लगता है। अगर आप दूसरे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में जाओगे तो आपको 1% तक ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। सो आपको ये 1% बेनिफिट मिलता है जीरो द में, और जीरो द बहुत कम ब्रोकरेज लेता है। सो आप जिनके पास भी जीरो द का अकाउंट नहीं है वो आप लीजिए और उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी जीरो द का अकाउंट है और बहुत कम ब्रोकरेज लगता है जीरो द में, इससे आपका अर्निंग बढ़ेगी। सो यहाँ ये HDFC स्मॉल कैप फंड है, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक्सपेंस रेशियो आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लार्ज कैप फंड परचेस करते हो तो रेगुलर प्लान लेते हो 1.27% है, डायरेक्ट में 0.94, वो डिफरेंस देखिए 0.33% है। अगर आप मिड कैप फंड लेते हो तो आपको डिफरेंस आ गया 1.07%, स्मॉल कैप में 1.08%, मल्टी कैप में 1.03%। सो डायनेमिक एसेट एलोकेशन, एक हाइब्रिड फंड भी लेते हो तो आपको डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट ऑल 1.13%। सो एवरी ईयर आप 1.13% एक्स्ट्रा आप अपने फंड मैनेजर को देते हो। और फिर ईटीएफ में देखेंगे तो 0.05 है, ये सिर्फ इंडेक्स फंड्स है इसका है। सो इसके भी हम लोग अभी कंपेयर करके देखेंगे फ्रेंड्स, 0.09 मैक्सिमम है ये इंडेक्स। और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप ईटीएफ परचेस करते हो तो आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। सो आप उसमें जीरो दा में परचेस करेंगे तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग, अगर आप रेगुलर लेते हो तो कितना डिफरेंस आता है वो दिखाता हूं।
देखिए, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपने क्या किया कि आपने एक्सपेंस रेशियो देखिए, 1% डिफरेंस आ रहा था हमको सभी फंड्स में और रेगुलर और डायरेक्ट के कंपैरिजन में। सो अगर आपको से एनुअल 15% रिटर्न मिलता है तो आप 20 इयर्स में आपको रिटर्न विथ एक्सपेंस रेशियो मिलता है 13,38,630 रुपीज, विदाउट एक्सपेंस रेशियो मिलता है 1,63,066,052। सो आपको ऑलमोस्ट ऑल 2,98,000 आप ऑलरेडी आप अपने फंड मैनेजर को दे दे रहे हैं, क्योंकि आप रेगुलर प्लान चूज करने पर। सो विद एक्सपेंस रेशियो देखिए 13.85% आ रहा है, विदाउट एक्सपेंस रेशियो आपको 15% मिलता है। अगर आप देखिए और दूसरी यहां पर देखिए, तो अगर आप 5,000 एवरी मंथ एसआईपी करते हो तो आपको 20 इयर्स, अगर आप एसआईपी करते हो तो 20 इयर्स में आपको पैसा आता है 61 लाख आता है, जब विदाउट एक्सपेंस रेशियो आपको 70,68,607 रुपीस आता है। सो डिफरेंस आता है 9,59,521 रुपीस। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर लेते हो तो आपको बहुत डिफरेंस आ गया। सो अभी हम लोग, अगर आप ईटीएफ लेते हो तो कितना आपको आता है देखते हैं। अगर आप ETF लेते हो फ्रेंड्स, तो आपका रिटर्न बनता है 1,60,7,744 रुपीस, विदाउट एक्सपेंस रेशियो 1,63,006,654। सो आपका डिफरेंस आता है कितना, 29,209 रुपीज। लेकिन ये आपको 0.09 ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट है, सो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है और आपको, लेकिन जीरो था मैं आकर लेते हूं तो आपको ब्रोकरेज नहीं है, इसलिए आपको मेरी राय में आपको 0.09 नहीं, आपको 0.25% ऐसा ही लगेगा। सो लेकिन मेनली मेरी राय में आप रेगुलर फंड से चूज कीजिए, आप इंडेक्स फंड मत चूज कीजिए, क्योंकि इंडेक्स में उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलता है फ्रेंड्स, इंडेक्स में बहुत कम कम रिटर्न्स मिलता है। अगर आप रेगुलर प्लान एक्टिव फंड से लोगे तो ही अच्छा फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है। सो मैंने कुछ 2019 में कुछ फंड्स रेकमेंड किए हैं, उसका वीडियो भी आप देखिए, तो आपको उस फंड्स में भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा फ्रेंड्स। सो इंडेक्स फंड्स उनके लिए है जो कि रिस्क कम और मिनिमम रिटर्न्स, मिनिमम रिस्क लेने वाले के लिए है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए। बाय फ्रेंड्स।